हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की स्पेशल ग्वारफली की सूखी सब्जी। ये गर्मी में बनाई जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसे मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ स्वादिष्ट बनाने का एक प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्वादिष्ट और सेहतमंद ग्वारफली की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ग्वारफली ली है। ये बहुत ही छोटी और कच्ची ग्वारफली है। अगर आपके पास बड़ी है तो आप उसकी भी सब्जी बना सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से और अब हम इसे कट करेंगे। ग्वारफली को कट करने का भी एक तरीका है, इसे हमें दोनों साइड से कट करना है। तो आप इस तरीके से इसे कट कर लीजिए, तो या फिर आप इसे 3 से 4 ग्वारफली को एकदम इकट्ठा कर लीजिए और एक साथ कट कर लीजिए, जो भी तरीका आपको सही लगे। इसे आप किचन सीजर से या नाइफ़ से ही कट कीजिए, लोहे की नाइफ से इसे बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारी ग्वारफली को कट करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। और आज हम ग्वारफली की भुज्जी बना रहे हैं। तो ग्वारफली की भुज्जी बनाने के लिए हमें इसे एकदम बारीक बारीक कट करना है। तो मैंने सारी ग्वारफली को बारीक कट कर लिया है। ग्वारफली की सब्जी बनाने के लिए ये है इंग्रेडिएंट। तो आज हम इसे प्रेशर कुक में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को अच्छे से हम क्रैकर होने देंगे और अब डालेंगे हम इसमें चॉप्ड किया हुआ गार्लिक और जिंजर और इसे हम 1 से 2 मिनट तक सोटे करेंगे ताकि इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए। और अब डालेंगे हम इसमें प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक कट किया है। प्याज और हरी मिर्च को हमें एक साथ डालना है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो इस तरीके से हिलाते हुए हम प्याज को कुक करेंगे और जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। टमाटर को ज़्यादा कुक नहीं करना है। और अब डाल देंगे हम इसमें चॉप्ड की हुई ग्वारफली। ग्वारफली को डालने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। बस इतने से ही मसालों के साथ हम सब्जी को बनाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे और 2 मिनट के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी डाला है ताकि जो ग्वारफली है नीचे पैन के चिपके ना, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 विशल दिलाएंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 विशल आने तक। और 2 से 3 विशल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और कुकर की स्टीम निकलने देंगे। ये देखिए, ग्वारफली की भुज्जी बनकर के तैयार है। बहुत ही कम मसालों के साथ स्वादिष्ट ग्वारफली की सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबको ही खाना पसंद करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी राजस्थानी रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।